नमस्कार, सोनी न्यूज खबर आपकी। आज उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के खम्भोली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो दिनों पूर्व अपहरण की गई युवती का शव गांव के बाहर बाग में पड़ा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पारिवारिक जन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल उन्नाव भेज दिया। घटना से आहत पारिवारिक जनों ने कोतवाली का घेराव किया। पारिवारिक जनों के अनुसार हलका दारोगा ने पारिवारिक जनों पर अपहरण की तहरीर बदलने का काफ़ी दबाव बनाया। हलका दारोगा ने तीन बार तहरीर भी बदलवाई। पारिवारिक जनों ने गांव के ही प्रधान पर अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पुलिस अधीक्षक उन्नाव ने पहुंचकर लिया घटना का जायजा तथा विस्तृत जानकारी हासिल की। उन्नाव से मोहम्मद इरफान खान की ये रिपोर्ट, उनके सहयोगी प्रियांशी शाह के साथ। आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो है यूपी 100 के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कबीरपुर थाना बांगरमऊ क्षेत्र में वहाँ एक जंगल सा है, बाग है, वहाँ पर एक लड़की की डेडबॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर यूपी 100 की दो गाड़ियाँ और थाना बांगरमऊ की फोर्स वहाँ पर मौके पर गई, जिससे गले पर गला कसने के निशान है। शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें जानकारी करने पर भी मालूम हुआ है 21 तारीख को इनके पिता द्वारा थाना बांगरमऊ में 366 IPC का एक मुकदमा लड़की गायब होने का लिखाया गया है, अपहरण का लिखाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को नामजद भी किया गया है। इस संबंध में जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।